उत्तर प्रदेश में शनिवार को विधान परिषद की 36 में से 27 सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 4 बजे तक प्रदेश भर में कुल 98.11% वोट पड़े। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। बता दें कि प्रदेश में 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 9 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ कोई प्रत्याशी मैदान में आया ही नहीं। ऐसे में ये 9 प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए। इस चुनाव में 27 पदों के लिए 95 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश भर में मतदान के लिए कुल 739 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, जहां कुल 1,20,657 मतदाताओं ने प्रत्याशियों के भविष्य के लिए वोट किया। एमएलसी इलेक्शंस का परिणाम 12 अप्रैल को घोषित होगा। वोट देने में रायबरेली के जनप्रतिनिधि सबसे आगे रहे। रायबरेली में कुल 99.35% मतदान हुआ। इसके अलावा सहारनपुर में 96.87%, शामली में 97.54%, मुजफ्फरनगर में 95.67%, अमरोहा में 99%, मुरादाबाद में 98%, बिजनौर में 96%, संभल में 97%, कानपुर फतेहपुर में 97.38%, झांसी ललितपुर जालौन सीटों पर 98.90%, मेरठ में 98.93% वोट पड़े, तो वहीं गोरखपुर में सबसे कम 96.50% वोटिंग हुई। वहीं अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा, सही मायने में स्वच्छता अभियान की सबसे अधिक आवश्यकता लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया को सत्ता की कलुषता यानी अनैतिकता से बचाने की है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मतदान को प्रभावित कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीडीसी प्रधान जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करने से रोका जा रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।